रहमान रहीम। आज हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। सो लेट सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम डिनोट करते हैं जेड वन से, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। एंड सेकेंड हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज़ सी प्लस डी आयोटा। अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं मालूम कर रहा हूँ जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू, ठीक है, डिवाइड करवा रहे हैं। या इसको अगर आप इस तरह लिख रहे हैं, दैट इज़ जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू, ठीक है। सो किस तरह डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो लेट सपोज यहाँ पे मैं जेड वन की वैल्यूज लिख रहा हूँ। जेड वन हमारे पास किसके बराबर है, दैट इज़ ए प्लस बी आई ओटा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी आई ओटा, ठीक है। याद रहे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा अलहदा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, सो हमने डिनोमिनेटर से जो इमेजिनरी पार्ट है वो ख़त्म करना होगा, ठीक है। याद रहे हमेशा डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उसको ख़त्म करने के लिए हम करते हैं कि डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। कंजुगेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेट्स से 3 + 5 आयोटा, सो इमेजिनरी पार्ट जिसके पास आयोटा, ठीक है, जिनके पास आयोटा है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का आप लोग अगर आप साइन चेंज करते हैं, सो दिस मीन्स कि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सो ये एक दूसरे के कंजुगेट है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, सो दिस इज जेड बार, ठीक है। कंजुगेट को हम जेड बार से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट का आप लोगों ने साइन चेंज करना होगा। सो डिवीजन में याद रहे कि जब भी आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन हो और डिनोमिनेटर में किसी भी कंजुगेट नंबर का डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। मीन्स इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, सी माइनस डी आयोटा। सो सी माइनस डी आयोटा से मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और सी माइनस डी आयोटा से डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपस में कैंसिल, आप लोगों के पास एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास यहाँ से अगर आप लोग चेक करें, मीन्स ए प्लस बी आयोटा इन टू सी माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी आयोटा और सी माइनस डी आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सिंपल है, इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ऊपर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप लोगों को फार्मूला आ रहे वेल एंड गुड, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे मैं इसको चलो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ, मीन्स आप लोगों के पास आ जाएगा दैट इज़ व्हाट, डिनोमिनेटर में तो सी स्क्वायर माइनस डी आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई, अगर आप लोगों को फार्मूला याद है, हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में कि रियल रियल के साथ इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। लेकिन चलो मैं इसको अभी सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी के साथ और डी आयोटा के साथ, सो ए सी माइनस ए डी आयोटा। अब बी आयोटा मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस बी सी आयोटा, ठीक है। और लास्ट आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस बी डी आयोटा टू आयोटा आयोटा स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस वन के बराबर है। सो आयोटा स्क्वायर की कीमत मैं लिख रहा हूँ, सो दैट इज़ व्हाट, इससे आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहे ए सी, और इसको चलो मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि आयोटा स्क्वायर बी डी आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, ठीक है। और इस बी सी को मैं पहले लिख रहा हूँ चूंकि प्लस है, और इसको मैं बाद में ए माइनस ए डी आयोटा डिवाइडेड बाई
डिवीजन में अगर आप लोग चेक करें, दैट इज व्हाट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं दोबारा लिखूंगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। यहां पे अगर आप लोग चेक करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो मींस ए सी माइनस बी डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये रियल पार्ट आप लोगों का आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आप लोगों के पास, इससे आयोटा आप कॉमन ले ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी आयोटा डिवाइडेड बाय, यहां से क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर, ये माइनस वन है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, सो दैट इज डी आयोटा स्क्वेयर, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास डिवीजन के लिए फार्मूला आ रहा है, अगर आप डिवीजन कर रहे हैं सो आप लोगों के पास ये फार्मूला होगा, ठीक है। सो अगर आप लोग चेक करें, इस फार्मूले को मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ कि याद करने के लिए क्या करना होगा, याद रखने के लिए आप लोगों के पास ये कि रियल पार्ट रियल के साथ, ए सी रियल रियल के साथ, प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, क्योंकि वहां पे आयोटा स्क्वायर माइनस वन आएगा फार्मूला में, तो वहां पे माइनस था, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूला। रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, मींस ए सी प्लस बी डी, ये रियल पार्ट आ जाएगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के लिए आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन बी से शुरू करें, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, सो ये आप लोगों के पास, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आप लोगों के पास फार्मूला आएगा। अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे, ठीक है, फार्मूला से आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, लेकिन इसको याद रखना होगा, और याद रखने के लिए मेथड मैंने समझा दिया कि रियल पार्ट के लिए रियल रियल मल्टीप्लाई करें इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, जबकि इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, बी सी लेकिन माइनस ए डी, ठीक है। वहां पे आप लोगों का यहां पे माइनस था, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन लेट से चलो यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, मींस आप लोगों के पास ए ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी आयोटा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ये पढ़ा था कि रियल रियल के साथ ए सी माइनस, ठीक है, वहां पे माइनस साइन था, माइनस बी डी, ठीक है, और प्लस ए सी या ए बी डी पहले लिख ले, चलो बी डी यहां पे आप पहले लिख रहे हैं, तो आप ये बी के साथ बी डी सॉरी बी सी प्लस ए डी, और इसके साथ क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो माइनस या वहां पे माइनस था, यहां पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो रहा है, वो इस नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ रहे, और सॉरी ये आयोटा स्क्वायर से माइनस वन आएगा, और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो डिवीजन में आप लोगों का ए सी प्लस बी डी रियल पार्ट में प्लस साइन है, जबकि यहां पे रियल पार्ट में माइनस है, इमेजिनरी में प्लस है, यहां पे रियल में प्लस इमेजिनरी में माइनस, ठीक है, ये याद रखना होगा। बस सिंपल फार्मूला आप लोगों के पास वही मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला है, डिवीजन में आप लोगों के पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूं, एक्सरसाइज 2.5, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले हम तीनों क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। एडिशन, पहला एडिशन का था, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, और क्वेश्चन नंबर 6 भी कर चुके हैं, वो कंजुगेट का था। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेते हैं, आप लोगों का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को ये गिवन है, इसको डिवाइड करें सेकंड से, ठीक है, मींस Z1 डिवाइडेड बाय Z2। सो अगर आप लोग इसको चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 मींस
z1 divided by z2. z1 हमें गेवन है, दैट इज 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा. अब अगर आप इसको, चलो मैं फर्स्ट वन को दोनों मेथड से कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बस एक मेथड से फिर कर लेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट मेथड से मैं ये कर रहा हूँ कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ. सो डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा, 5 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मीन्स 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 5 प्लस आयोटा से डिवाइड कर रहा हूँ, सही है. अच्छा, सो ऊपर आप लोगों के पास आएगा इससे रिजल्ट 2 आयोटा इनटू 5 प्लस आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा इनटू 5 प्लस आयोटा. डिनोमिनेटर अगेन आप लोगों को पता है, a माइनस b, a प्लस b, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलो डिनोमिनेटर को मैं पहले लिख रहा हूँ, दैट इज व्हाट means a square which is 5, 5 square minus b square which is iota whole square, ठीक है. इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला से करें, बेशक आप लोगों को अगर याद है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट कर दे, ठीक है. मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 2s are 10, ठीक है. इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, 5 के साथ, इसी तरह आयोटा के साथ. सो 5 2s are 10 और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, सो दैट इज प्लस 2 आयोटा. अब आयोटा मल्टीप्लाई करें, सो दैट इज व्हाट, 5 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, सो आयोटा स्क्वायर, ठीक है. इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ, दैट इज 10 प्लस इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, प्लस 7 आयोटा, और दैट इज व्हाट, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, ठीक है. सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ रहे, 10 माइनस 1 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा. सो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 26. सो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है. यह डिवीजन हमने इसलिए किया था कि डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाए, तो इमेजिनरी पार्ट ख़त्म होने से आप लोगों के पास ये इस तरह आप लिख सकते हैं कि दैट इज़ व्हाट, 9 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 26 आयोटा. ये आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट, जबकि ये रियल पार्ट. इसका मतलब है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने अलहदा अलहदा करके लिख दिया, ठीक है. ये आप लोगों का पार्ट वन था. अब पार्ट टू, बल्कि इसी को चलो हम फार्मूला मेथड से करते हैं, ठीक है. इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला मेथड से भी करते हैं. सो ज़रा चेक कर इसको, फार्मूला से मैं करवा रहा हूँ, मीन्स 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा, ठीक है. हमने पढ़ा था, ठीक है. आप लोगों ने फार्मूला लिखना होगा एग्जैक्टली, आप लोगों ने मीन्स, चलो लिख देता हूँ, a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू व्हाट, हमने पढ़ा था रियल पार्ट रियल के साथ, ए सी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, बी डी, ठीक है. रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी. अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बी से हम शुरू करेंगे, ठीक है. प्लस बी सी पॉजिटिव होगा, माइनस ए डी इमेजिनरी पार्ट आप लोगों के पास ये आ रहे, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है. फार्मूला किस तरह होगा, रियल 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 पार्ट के लिए रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करें, जबकि इमेजिनरी पार्ट के लिए आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा,
बी मीन्स एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी, बी सी माइनस ए डी, ठीक है माइनस ए डी, और ये आप लोग पास। अब लेट्स से इसी को मैं कर रहा हूँ, टू प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय फाइव माइनस आयोटा, इसी फार्मूले से कर रहा हूँ, ठीक है रियल रियल के साथ मल्टीप्लाई करें, फाइव टू जार टेन, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, सो दैट इज ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस वन प्लस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दैट इज व्हाट फाइव वन जार एक्चुअल ये वन है ठीक है, फाइव वन जार फाइव, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक बार मूल्य वाला माइनस है और यहां से माइनस टू आ रहे, ठीक है एक फार्मूले वाला माइनस ये वाला, और डी आप लोगों का माइनस है तो ठीक है ये माइनस डी मैं लिख रहा हूँ, और इसके साथ आप लोगों ने आयोटा लिखना होगा। सी स्क्वेयर मीन्स फाइव स्क्वेयर और प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन स्क्वेयर, सो इससे रिजल्ट अगर आप लोग चेक करें दैट इज नाइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस टू प्लस फाइव सो प्लस सेवन, लेकिन इसके साथ आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 विच इज 26, सो आप लोगों के पास एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ रहा है, 9 डिवाइड बाय 26 और प्लस 7 डिवाइडेड बाय 26, लेकिन इसके साथ इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आप इसको कंपेयर करें सो मेरे ख्याल में फार्मूला आप लोगों के लिए ज़रा ज़्यादा इजी होगा, लेकिन उस वक्त के जब आप लोगों को फार्मूला याद हो, और याद रखने के लिए मैंने तरीका समझा दिया कि रियल 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 पार्ट के लिए रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, और इमेजिनरी पार्ट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। अच्छा पार्ट टू में फार्मूले से करवा रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई कर ले दूसरे मेथड से, ठीक है मैं फार्मूले से करवा रहा हूँ, दैट इज जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू विच इज इक्वल टू, अच्छा इसमें इमेजिनरी पार्ट पहले गिवन है, ठीक है सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है सो आसान है, आप लोग क्या करो रियल पार्ट को पहले लिखो विच इज फोर, और इमेजिनरी पार्ट को मैं बाद में लिख रहा हूँ दैट इज थ्री आयोटा, ठीक है डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा, ठीक है फार्मूला हमारे पास ये आ रहा था कि सी सर ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और रियल रियल के पास ए सी प्लस बी डी, ये आप लोगों का रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है इमेजिनरी पार्ट में पहले आप लोगों ने बी सी मल्टीप्लाई करा, बी सी माइनस ए डी और ये आयोटा, ये आप लोगों का डिवीजन, ठीक है डिवीजन के लिए अपने पास फॉर्मूला ये है। अब लेट्स से इसको मैं करवा देता हूँ, फोर प्लस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा, सो मींस वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, ठीक है इमेजिनरी पार्ट भी वन, ठीक है माइनस वो स्क्वेयर की वजह से प्लस हो जाएगा, सो रियल रियल फोर मल्टीप्लाई बाय वन, चलो स्टेप बाय स्टेप करो, रियल रियल और प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, सो थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, ठीक है ये आप लोगों का रियल पार्ट आ रहा है, प्लस अब इमेजिनरी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, वन थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, सॉरी फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, अब इसको आप इमेजिनरी पार्ट, सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहे फोर माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर, और इसके साथ आयोटा डिवाइडेड बाय वन प्लस वन सो दैट इज टू, सो इसको मैं लिख रहा हूं थ्री फोर माइनस वन दैट इज वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है ये वाला प्लस इन दोनों से क्या आएगा सेवन
सेवन डिवाइडेड बाय टू और वो आपके पास नोट आउट है। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट टू, क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट टू, ठीक है। वो मेथड के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें वो आप लोग खुद ट्राई करें। ये किस से मल्टीप्लाई होगा, वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। ऊपर फॉर्मूला यूज करें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में आपके पास वन प्लस आयोटा स्क्वायर हो। क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहे हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड रिड्यूस द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा, मीन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके लिख लिया, ठीक है। सो फर्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट वन, वो एडिशन का प्रोसेस है, ठीक है। फोर प्लस थ्री आयोटा और प्लस टू माइनस थ्री आयोटा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ये पढ़ा था कि रियल पार्ट रियल के साथ एड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। सो दिस मींस फोर चूंकि प्लस है तो प्लस टू होगा, रियल रियल के साथ एड कर रहा हूं, प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ थ्री माइनस थ्री, सो दैट इज व्हाट, सिक्स प्लस जीरो आयोटा, माइनस है, इसको जरा करेक्ट कर दे, ये माइनस है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सो आपके पास रिजल्ट माइनस सिक्स आ रहा है, ठीक है, माइनस सिक्स आयोटा। इसी तरह पार्ट टू सब्ट्रैक्शन का है, क्वेश्चन को चेक करें, फाइव माइनस टू आयोटा इन टू माइनस फोर माइनस सेवन आयोटा, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को रियल रियल से सब्ट्रैक्ट करें, मींस फाइव माइनस फोर और प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज माइनस टू और माइनस माइनस प्लस सेवन, ठीक है। इसका साइन चेंज होगा, सर फोर प्लस था तो इसको हमने माइनस कर दिया, यह प्लस हो जाएगा सेवन और ये आ जाएगा। सो यहां से आ रहे वन और सेवन माइनस टू प्लस फाइव आई हो, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। इसी तरह थर्ड पार्ट कह रहे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको टू आयोटा इन टू, इसमें रियल पार्ट नहीं है, ठीक है, फोर माइनस फाइव आयोटा। सो मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट आप टू आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, टू फोर टू जार एट आयोटा और माइनस टेन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, माइनस वन, सो एट आयोटा माइनस टेन और माइनस वन मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस माइनस प्लस टेन आ जाएगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि रियल पार्ट आ रहा है, प्लस इमेजिनरी पार्ट एट आयोटा, ठीक है। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फाइव थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका है टू माइनस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय फोर माइनस फाइव आयोटा, ठीक है। अब इसको चलो फार्मूला से आप लोग करें, मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, मीन्स टू माइनस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई फोर माइनस फाइव आयोटा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, डिनोमिनेटर का कंजुगेट प्लस हो जाएगा, ठीक है, फाइव आयोटा, और इस तरह फोर प्लस फाइव आयोटा। तो ऊपर आप लोग न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले टू मल्टीप्लाई होगा फोर के साथ और फाइव के साथ, सो दैट इज फोर टू जार एट प्लस टेन आयोटा। अब माइनस थ्री आयोटा मल्टीप्लाई करें, माइनस ट्वेल्व आयोटा और माइनस फिफ्टीन आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, अब ए माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स फोर स्क्वेयर, ठीक है, माइनस फाइव आयोटा होल स्क्वायर। सो इससे आ रहे एट, इससे माइनस टू आएगा, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व प्लस टेन, सो माइनस टू आयोटा और माइनस फिफ्टीन माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन के बराबर, डिवाइडेड बाय
4 square 16 minus 5 square 25 iota square minus 1 के बराबर, ठीक है। सो ये आप लोग चेक करें, इससे क्या आएगा प्लस 15 आ जाएगा। सो 8 रियल पार्ट के साथ प्लस 15, ये रियल पार्ट आ रहे, इमेजिनरी पार्ट 2 iota डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 25 बन गया, ठीक है। सो आप लोग पास यहाँ से आ रहे 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 11 1 के 41। सो आप इसको अलहदा लेदा रियल पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे कि आप इसको रिड्यूस करो ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में, मीन्स रियल को अलहदा लिखो इमेजिनरी को अलहदा। सो रियल पार्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 41, ये रियल पार्ट आ रहा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। अब ये आप लोगों का बी, ये ए रियल पार्ट, वो इमेजिनरी पार्ट। सो ये आप लोगों का एक्सरसाइज 2.5 आप लोगों का खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें आप लोगों से ये पूछा जा रहा था कि आप लोग क्या करो, इसका कंजुगेट मालूम करो। सो कंजुगेट हम पहले कर इसलिए कर देते कि आप लोगों को डिवीजन में भी यहाँ पे कंजुगेट आ रहे तो वो क्लियर हो, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने पहले किया। कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों के बुक में नहीं है, पंजाब टेक्स्ट बुक वगैरह में है। सो सिर्फ चलो एक टच दे देता हूँ, दैट इज हायर पावर ऑफ आयोटा, मीन्स अगर आपके पास आयोटा है और उसके रेस टू पावर लेट से 100 है 1000 है, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 99 49 वगैरह वगैरह, ठीक है। सो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ आयोटा रेस टू पावर 0 से। सो एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर हमने आयोटा पढ़ा था जो कि माइनस 1 स्क्वायर रूट है, लेकिन बस इसको मैं आयोटा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आयोटा स्क्वायर इसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह आयोटा अगर लेट से अब मैं क्यूब ले रहा हूँ, तो आयोटा क्यूब मीन्स आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, देख सकता हूँ रेस्ट पावर 3 2 प्लस 1, ठीक है। सो ये ऑलरेडी हमें पता है किसके बराबर है, माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा। इसी तरह रेस्ट पावर 4 means iota square into iota square, लिख सकता हूँ 2 times, so that is minus 1 multiplied by minus 1 which is equal to plus 1, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग चेक करें, अब बाकी इसके रिपीटेड टर्म है, means square 1 आ रहा था तो यहाँ से भी 1 आ रहा है। अगर next मैं करूँगा iota raised to power 5 means iota into iota raised to power 4, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, या डायरेक्ट आप 4 को 1 लिख सकते हैं प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 1 सॉरी आयोटा और माइनस 1 स्क्वेयर, सो इससे प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज आयोटा। सो आप नेक्स्ट को चेक करें, थर्ड से ये आएगा आयोटा रेस्ट पावर 7 माइनस 1 आएगा, इस तरह iota raised to power 7 which is equal to iota raised to power 6 बल्कि सारे 6 6 बीच में 6 हम छोड़ चुके, ठीक है, which is equal to iota into iota raised to power 5, iota 5 already आप लोगों को पता है किसके बराबर है, iota के बराबर है, so iota into iota, ठीक है, which is iota square किसके बराबर है minus 1 के, ठीक है। इस तरह next iota 7 जो है वो iota के बराबर आएगा, ठीक है, क्यों iota 6 into iota, सारे ये minus 1 आ रहे, ठीक है, तो यहाँ से iota 6 1 के बराबर minus 1 के बराबर है multiply by iota, so इससे iota, ठीक है। ये तो खैर सिर्फ ये समझा रहा था कि 4 term के बाद इनकी values repeat हो रहे, ठीक है, हर 4 term के बाद 1 2 3 4 प्लस 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, तो फिर प्लस 1 आयोटा माइनस आयोटा और
इस तरह ये प्लस आई उठा है, ये माइनस आई उठा है, ठीक है, एंड सो ऑन, ये इस तरह रिपीट होगा। लेकिन अगर हमें चलो ये गिवन है आयोटा रेस्ट पावर 100 या आयोटा रेस्ट पावर 49, तो इसको किस तरह कैलकुलेट करोगे? अगर आप लोगों से पूछा जा रहे कि आयोटा रेस्ट पावर 49, सो आसान मेथड है, अगर ये आठ नंबर हो तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा और आयोटा रेस्ट पावर 48। अब 48 को आप लोग चेक करो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आयोटा अपनी जगह आ रहे, 48 को मैं इसको टू मल्टीपल फॉर्म आयोटा स्क्वायर फॉर्म में लिख रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर तो 2 पे डिवाइड करे 48, ठीक है, तरीका यही होगा, 2 2 4 8 4 मींस होल रेस्ट पावर 24। सो यहाँ से आ रहे आयोटा अपनी जगह आ रहे, इसके जगह माइनस 1 हो जाएगा, रेस्ट पावर 24। अब अगर ये इवन हो तो उससे प्लस 1 आएगा, अगर ये ऑड हो तो माइनस 1, सो मींस इससे प्लस 1 आएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू, इसका आंसर आयोटा, मींस आयोटा रेस्ट पावर 49 इज इक्वल टू सिंपल आयोटा, ठीक है। इस तरह अगर आयोटा रेस्ट पावर 50 हो, ठीक है, तो उससे रिजल्ट माइनस 1 आ जाएगा, किस तरह, इसको मैं लिख रहा हूं आयोटा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 25। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर है, होल रेस्ट पावर 25, अब ये ऑड है तो रिजल्ट विल बी माइनस 1, यहां पे चेक करें 49 आयोटा के बराबर आ गया, तो नेक्स्ट 50 माइनस 1, ठीक है। इस तरह कोई भी नंबर हो आप लोगों ने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, अगर आड़ हो तो पहले आयोटा और फिर इवन नंबर, ठीक है, ये रेस्ट पावर आप लोगों का 49 है तो पहले आयोटा और फिर इवन, और इसको फिर आप लोगों ने आयोटा स्क्वायर फॉर्म में, और अगर यहाँ पे पावर माइनस आ रहा हो तो प्लस हो जाएगा, और अगर आड़ आ रहा हो तो फिर माइनस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।